जौलपुर के वार्ड क्रमांक 17 रानी दुर्गावती वार्ड में पिछले 10 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। नगर निगम के द्वारा छुई खदान पर जो नई टंकी बनाई गई थी वह खराब है। इस मामले में यहां रहने वाले नागरिक अधिकारियों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है जल्द से टंकी ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी टंकी में सुधार नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी के टैंकर भी नहीं पहुँच रहे। अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वासन दिया है, जल प्लावन की वजह से बहुत जगह दिक्कत हुई है, नगर निगम द्वारा सुधार कार्य तेजी से किया गया है, पानी की टंकी में भी सुधार कार्य कर दिया है, इसलिए शीघ्र पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। नल नहीं आ रहा है। ये कौन सा वार्ड है और कहाँ पे कितने दिन से पानी? भैया रानी दुर्गावती वार्ड है और 15 रोज हो गए पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल कितने परेशान है पानी के? पानी के लिए बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। टैंकर आ रहे थे, टैंकर नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, कोई टैंकर ऊपर नहीं पहुँच पा रही है। टैंकर आता भी है तो वहाँ कहाँ जाएगा ऊपर? रानी दुर्गावती वार्ड वहाँ हम लोग ऊपर रहते हैं, रानी दुर्गावती वार्ड मंदिर के पास छुई खदान बजती है, जो टैंकर नहीं पहुँच पाता वहाँ टैंकर नहीं पहुँचता। रानी दुर्गावती वार्ड में विगत 10-12 दिनों से पानी की बहुत समस्या है। सभी जनता गर्मी को लेके पानी में सब परेशान हैं और टैंकर आते भी हैं तो ऊपर पहाड़ियों तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसमें ऊपर के लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता है। आप लोगों ने शिकायत कहाँ की? हम लोगों ने नगर निगम में आके आज शिकायत दी, ज्ञापन दिया है और ऊपर भी लोगों के द्वारा पहुँचाई गई है शिकायत। आज हमको खबर मिली है कि कल शाम को पानी की टंकियाँ भरेंगी। क्या है, जल प्लावन की जो बॉल वॉल की समस्या थी वो आज हल की गई है, तो उन्होंने बताया है अधिकारियों ने कि कल से पानी आप लोगों को शाम से मिलेगा। अर्जुन सिंह झारिया। किस कारण लिया? ये प्लांट में हमारा 1000 mm का वॉल ख़राब हो गया था, उसको बदलने के लिए आज शटडाउन लिया गया है। इससे रामनगरा प्लांट से जो भरने वाली टंकियाँ हैं उसमें शाम को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सुबह तो हमने उससे सप्लाई की है। देखो कितनी टंकी भरवाई है? 18 टंकियां हैं जो इससे प्रभावित हैं। कुछ कहीं से जो डिमांड आएगी तो टैंकर के माध्यम से उनकी। जौलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।